हेलो एवर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपके लिए एक चिकन की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो है चिकन मुगलई महारानी। और आप देखिए मैं इसे किस तरीके से और किस किस इंग्रेडिएंट के साथ बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ, झटपट बन के तैयार हो जाती है। अब आप देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। चलिए आज हम बना रहे हैं मुगलई चिकन महारानी, जिसके लिए हमें कुछ होल स्पाइसेस चाहिए। वो क्या हैं? ये है काली मिर्च 8 से 10, ये तेज पत्ते हैं 2-3 पीस। और ये है दालचीनी की 2 स्टिक, ये जीरा है, ये धनिया 1 चम्मच है, ये 3 मैंने लिए हैं साबुत लाल मिर्च, ये है 1 इलायची, ये है जावित्री और ये है हमारी सौंफ। अब हम इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इन्हें पीस के पाउडर बना लेंगे। चलिए हम इन्हें ड्राई रोस्ट करते हैं। चलिए पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब इन मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं। बस हमें इसको थोड़ा सा ड्राई करना और रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है, बस कलर चेंज ना हो। बस हमारे मसालों में से स्मेल आ गई है, यानी कि हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अभी देखिए हमारा मसाला बन गया है। ये मेरे काजू हैं और ये है 1 मीडियम प्याज। इसको हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। ये हमने 2 छोटे चम्मच तेल लिया है, इसमें हम ये डालेंगे, 1 दालचीनी का पीस और ये तेज पत्ता। अब हम गैस को कम करेंगे। अच्छा, हमें अब अपना ये पेस्ट मीडियम स्लो पे हम इसको काजू और प्याज के पेस्ट को भुनेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो इसको चलाते रहेंगे क्योंकि काजू है इसके अंदर, काजू बहुत जल्दी चिपकने लगता है। गैस को हम मीडियम में रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी हम इसके साथ पका लेंगे। अदरक लहसुन की थोड़ी जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब हम अपना मसाला डालेंगे जो हमने तैयार किया था। आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें नमक जाएगा। अब हम इसमें दही डालेंगे, गैस को हम स्लो रखेंगे। दही हमेशा जब भी डालें आप ग्रेवी के अंदर, गैस की फ्लेम जो है वो सिम कर देनी चाहिए, नहीं तो कई बार होता है दही फटने लगती है, हमारी ग्रेवी को खराब कर देती है। अब आप देखिए मिल चुका है बिल्कुल। अब हम इसको गैस को थोड़ा तेज करेंगे और फिर अपनी ग्रेवी को थोड़ा ढक के पकाएंगे। चलिए अब हम देख रहे हैं अपना, देखिए कितनी फर्स्ट क्लास हमारा घी के साथ ग्रेवी ने कितना बढ़िया सरफेस पे सारा का सारा उसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इस स्टेज पे अपनी चिकन, ये मेरा चिकन है जो कि 250 ग्राम है, मैंने ज़्यादातर इसमें बोनलेस रखा है। इसको हम जरा ढकते हैं। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी 1/2 कप के करीब ऐड करेंगे। मैंने वही जार में पानी मिलाया है जिसमें मैंने पेस्ट काजू और प्याज का पीसा था, क्योंकि काजू का पेस्ट बहुत रिच हो जाता है, इसलिए हमने उसको उसमें डाला है।
क्योंकि हम जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहते। अब हम इसको करीब 10-12 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें देखते हैं। चलिए अब तकरीबन हमारा चिकन जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच अपने घर की बनी हुई फ्रेश मलाई डालेंगे। अब थोड़ी देर हम इसके ढक के मलाई के साथ पकाएंगे, उसके बाद हमारा चिकन जो है चिकन मुगलई महारानी बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चिकन हमारा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है और हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। और इसको थोड़ी सी धनिया पत्ती से हम गार्निश करेंगे और हमारा चिकन मुगलई महारानी तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। सारा तेल हमारा जो है सब सरफेस पे आ चुका है, इसी स्टेज पे हम लोग अपनी गैस को बंद करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो चिकन मुगलई महारानी की पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।